हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिकल गुरु चैनल। इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको फोटोशॉप पे कलर बैलेंस करना। जी हाँ, कलर बैलेंस किस तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ठीक है, वो हम सीखेंगे। फोटोशॉप मैंने पहले ही ऑन किया हुआ है। लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोटो ले लेनी है कलर बैलेंस के लिए। मैं आपको अभी फ़िलहाल आइज़ और लिप्स दो चीज़ें सिखाता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे करके सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा, है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं इफ़ेक्ट के ऊपर। तो यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। इस फ़ोटो में मैंने राइट क्लिक करके इसको मूव टू न्यू विंडो कर दिया, ठीक है। ये फ़ोटो आ गई। मूव टूल लेंगे, यहाँ से मूव टूल होता है, ये रहा, मूव टूल लेंगे और कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे ताकि ये जूम हो जाए। स्पेस दबाते नीचे आएंगे इस तरीके से। यहाँ से एलिप्टिकल मार्की टूल लेंगे, ये वाला, ठीक है। एलिप्टिकल मार्की टूल लेंगे और यहाँ पे इसके लिए तुम चाहो तो एम भी दबा सकते हो। देखो एम शॉर्टकट है ना, तो एम भी दबा सकते हो। सो क्लिक किया। अब इसकी जो आइज़ है, बेसिकली इस आइज़ का हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो इस आई के लिए यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। और शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे सर, देखो ना, शिफ्ट शिफ्ट दबाएंगे तो प्लस का निशान नीचे आ रहा है ना। बिना शिफ्ट दबाए कोई भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तुम्हारा, ठीक है। शिफ्ट दबा के सिलेक्शन कर लो, बाद में शिफ्ट छोड़ दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड वाइड रख दो। और ये जो सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो रहा है, ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, तो ऑल दबा के हल्का सा माइनस कर लो। ठीक है, कंट्रोल के साथ प्लस करो, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी होता है कलर बैलेंस के लिए। देखो देखो ना, कंट्रोल बी, ये इफेक्ट आ गया कलर बैलेंस, कलर बैलेंस। और यहाँ पे जो जिस भी तरफ देखो, यहाँ पे तीन तरह के, यहाँ पे छह तरह के कलर हैं, ठीक है। मैं जूम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो ये कलर है साइन, मैजेंटा, येलो एक तरफ और दूसरी तरफ रेड, ग्रीन, ब्लू। यहाँ पे आपके पास टोन बैलेंस है, शेड्स, मिड टोन और हाईलाइट। तो मैं जिस भी तरफ ले जाऊँगा, जैसे मैं कर लूँ मिड टोन, मतलब हमें टोन्स में रखना है, मिड में रखना है, ये देखो ब्लू हो जाएगा, ओके। तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो ओके में देखो, यहाँ पे आपको कंट्रोल डी करना है सिलेक्शन हटाने के लिए। जो सिलेक्शन आ रहा है हटा लेंगे, कंट्रोल डी। तो ये देखो, ये इस तरीके से कलर्ड हो जाएगी आइस, ये देखो। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ चेंजेस, तुम कहोगे कहाँ हुई। तो सर ये देखो, मैं रिवर्ट चेंजेस कर रहा हूँ, कंट्रोल आपको केवल F12 दबाना है, इससे रिवर्ट हो जाएगा। देखो पहले आँखें ऐसी थी, मैं कंट्रोल जेड करके दिखा रहा हूँ। अब देखो मैंने ऐसे किया, ये देखो दिख रहा है फ़र्क, पहले ऐसे था अब ऐसे, ठीक है। इसी चीज़ को जैसे अगर आपको लिप्स का सिलेक्शन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। लिप्स पे आ जाते हैं, थोड़ा सा लिप्स को थोड़ा जूम कर लो, ठीक है। यहाँ से आपको लेना है मैग्नेटिक लैसो टूल, ठीक है सर। कौन सा टूल? मैग्नेटिक लैसो टूल, आपको मैग्नेटिक लैसो टूल लेना है। और आपको यहाँ पे बस एक बार डॉट लगाना है, इसके बाद माउस आपको चलाते जाना है, ऐसे माउस चलाते जाएंगे और इसको सिलेक्शन ये बनता जाएगा। सिलेक्शन बन गया, अब आपको करना है रिफाइन एज। मैंने आपको बताया था जब भी सिलेक्शन करना हो रिफाइन एज का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब वो लोग कब बताया था, पुरानी वीडियोस देखो ना यार, सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से रिफाइन एज करेंगे, स्मूदिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे, ओके, ठीक है। कंट्रोल जे दबाना है ताकि होंठ अलग हो जाए, देखो, ठीक है। कंट्रोल बी, बी फॉर कलर बैलेंस। आज हम कलर बैलेंस सीख रहे हैं ना, कलर बैलेंस, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इसमें शेडो लेता हूँ और फिर मैं इसको करता हूँ तो देखो क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब कलर बैलेंस चेंज हो रहा है। ये देखो हो रहा है रेड, और ये देखो रेड और येलो करूँगा तो स्किन कलर मिक्स हो जाएगा, ये देखो, लेकिन येलो ज़्यादा हो रहा है, ब्लू इधर की तरफ, पर्पल वगैरह हो जाएगा, मैजेंटा येलो हो जाएगा, ओके करके देखो। ओके कंट्रोल माइनस होगा इसके होट कलर। देखो पहले कैसे थे, पहले ऐसे था और अब कैसे हुए, तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इसी तरह से इस मैग्नेटिक टूल की वजह से कुछ भी कलर हो सकता है। आगे जानेंगे और भी टूल्स के बारे में,
ठीक है, तब तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।